इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को जरूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह उस राजनीति को समझ चुके हैं जिसमें बड़े पैमाने पर भाजपा के असंतुष्ट भाजपा के विकल्प के लिए केजरीवाल जैसों में अपनी राह ढूंढ रहे हैं। अमित शाह ने भाजपा के रूठे हुए कद्दावर नेताओं की घर वापसी करानी शुरू कर दी है और आप जानते हैं कि अमित शाह अपनी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर देते हैं। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी, जो राजनीति के बहुत कद्दावर नेता थे, उनकी आज घर वापसी हो गई है। रांची में एक विशाल जनसभा के बीच उनकी घर वापसी हुई है, यानी वो सम्मान जो उनको मिलना चाहिए वो देकर उनकी घर वापसी कराई गई है। बाबूलाल मरांडी जब भाजपा से अलग हुए थे 2006 में, तो उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई थी। पार्टी का नाम था झारखंड विकास मोर्चा। उसका उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया है। इसी महीने फरवरी में ही बाबूलाल मरांडी की बैठक अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई थी और इसके बाद सोमवार को रांची में एक भव्य कार्यक्रम में बाबूलाल मरांडी की घर वापसी की घोषणा हुई। अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि मुझे खुशी है कि बाबूलाल मरांडी भाजपा में लौट आए हैं। मैं 2014 से उनकी वापसी के लिए काम कर रहा था। अमित शाह बिना थके कैसे काम करते हैं, भाजपा के उन कार्यकर्ताओं को सीखना चाहिए जो मामूली बातों पर मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। 2014 से उनकी वापसी के लिए वो काम कर रहे थे, उन्होंने खुद कहा। आपको बता दूं कि बाबूलाल मरांडी 2006 में भाजपा से अलग होकर झारखंड विकास मोर्चा नाम का एक नई पार्टी का गठन किया था। बाबूलाल मरांडी की जड़ें संघ में, इसलिए कई लोग जब मेरा आलोचना करते हैं कि आप संघ के लोगों को कैसे कह रहे हैं कि केजरीवाल की मदद की दिल्ली में, तो याद रखिए मरांडी संघ से थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वो झारखंड के कद्दावर नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, चार बार से लोकसभा के सांसद और अटल सरकार में वो केंद्रीय मंत्री भी रहे। जब 2000 में, साल 2000 में बिहार से अलग होकर अटल सरकार ने झारखंड राज्य बनाया, तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद उन्होंने वो झारखंड के जो कद्दावर नेता कभी रह चुके शिबू सोरेन को भी वो हरा चुके हैं। हालांकि 1996 के लोकसभा चुनाव में वो मात्र 5000 वोटों से शिबू सोरेन से हार गए थे। उसके बाद उनको बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद बीजेपी ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और झारखंड में 14 में से 12 सीटों में जीत हासिल हुई थी। देखिए जन नेता को की उपेक्षा कितनी भारी पड़ती है। और इस चुनाव में मरांडी ने शिबू सोरेन को हरा दिया था। इसके कारण उनका कद काफी बढ़ गया था। 1998 में जो बड़ी जीत मिली थी भाजपा को और केंद्र में जब उनको मंत्री बनाया गया था, फिर उनको जब नवगठित झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री भी बनाया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो आपको मैंने बताया है कि सरफुटवल की एक पार्टी, उसके काफी सारे कार्यकर्ता मुंह फुलाकर बैठे होते हैं कि उनको ये नहीं मिल रहा, उनको ये नहीं मिल रहा। राष्ट्र और हिंदुत्व तो फिर बाद में चला जाता है। तो ऐसी ही बातों में जो है काफी सारे नेता उनसे नाराज हुए, खासकर अर्जुन मुंडा, और जिसके कारण बाबूलाल मरांडी अपने मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। अर्जुन मुंडा ने खुद को आगे बढ़ाने के लिए जदयू का सहारा लिया, वही जदयू जिसका सहारा इस बार दिल्ली में मनोज तिवारी को हटाने, मनोज तिवारी के खिलाफ काम करने वाले भाजपा के गिरोह ने लिया कि पूर्वांचल अगर जीत गया तो बहुत ताकतवर हो जाएगा दिल्ली में। इसलिए पूर्वांचल के जो बड़े सीट थे उन्होंने जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी को दे दिया। आपको ध्यान होगा इसी तरह 2013-14 में
नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए भी भाजपा के रूठे हुए गिरोह ने तबरवानी जी भी थे सुषमा जी भी थी, तब भी उन्होंने नीतीश कुमार का सहारा लिया था 13 से पहले, जब नरेंद्र मोदी उभर रहे थे और नीतीश कुमार जो है पुराने अपने गठबंधन को तोड़कर भाजपा को से उन्होंने वो अलग चले गए थे। बाबूलाल मरांडी को भी साइड लगाने के लिए इसी जदयू का सहारा लिया गया था और फिर अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2000 में मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मरांडी, 2003 में मात्र 3 साल बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह अर्जुन मुंडा को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद से वो झारखंड की राजनीति से दूर रहने लगे बाबूलाल मरांडी। अब एक और याद दिला दूं कि अभी के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, गिरिराज सिंह को साइड लगाने के लिए भाजपा का वही फूफा गिरोह, मुंह फुलाने वाला फूफा गिरोह, गिरिराज सिंह के टिकट को कटवाकर रामविलास पासवान की पार्टी के एक व्यक्ति को टिकट दिलवा दिया था जो है नवादा से। और उसके बाद फिर ऐसी नौबत आई कि गिरिराज सिंह चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे और इन लोगों ने उनको कन्हैया के खिलाफ, कुमार के खिलाफ खड़ा किया था ताकि ये हार जाएं, लेकिन वो जीत गए अमित शाह के आश्वासन पर। तो भाजपा में एक फूफा गैंग काम करता है जिसका जमीन नहीं है, लेकिन जो जमीनी नेताओं को काटने के लिए हमेशा काम करता है। दिल्ली के चुनाव में भी दिखा वो, चुनाव के बीच में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने केजरीवाल को आतंकवादी कह दिया, घर घर बलात्कारी घुसने की बात कह के पूरा माइलेज उसको उठाने दिया और केजरीवाल ने बहुत संयत रूप से उसका जवाब देके दिल्ली की जनता को अपनी तरफ करने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा के समय से ही दिल्ली भाजपा गुटबंदी की शिकार हुई थी। उस समय के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना को इसी तरह बीच में हटाकर साहिब सिंह वर्मा को बनाया गया और वो उसके बाद भाजपा कभी उभर नहीं पाई। बीच में थोड़े से काल के लिए सुषमा जी को बनाया गया था, यही हाल बाबूलाल मरांडी के साथ हुआ और फिर अर्जुन मुंडा को बैठाया गया, क्योंकि बाबूलाल मरांडी बहुत ईमानदार थे और अर्जुन मुंडा क्या है ये झारखंड का आपको हर व्यक्ति बता देगा, इस पर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। 2004 के लोकसभा चुनाव में वो भाजपा के टिकट पर कोडरमा से जीते और लेकिन उन्होंने 2006 में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तक से इस्तीफा दे दिया और साथ साथ उनके 5 विधायकों ने भी पार्टी छोड़ दी थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका था, उपचुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े और कोडरमा से फिर से उन्होंने जीत हासिल की। फिर उन्होंने अपनी नई पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का गठन किया। 2009 के लोकसभा चुनाव में वह अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़े और फिर जीते, मगर 2014 में मोदी लहर में वो हार गए, टिक नहीं पाए। असल में रघुवर दास के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने वही गलती किया जो इंदिरा जी हमेशा करती थी कि छत्रप मजबूत ना हो पाए, केंद्र मजबूत रहे। तो रघुवर दास के रूप में गैर आदिवासी एक ऐसे नेता को भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में मुख्यमंत्री बना दिया था, जो मजबूत नेता सरयू राय और इन सबको काटने में लग गए। जैसे अर्जुन मुंडा ने बाबूलाल मरांडी को काट के भाजपा को खत्म किया वहां, उसी तरह सरयू राय आदि को काटकर रघुवर दास ने भाजपा को पूरा खत्म कर दिया वहां पे। और मतलब उनकी हार की बड़ी भूमिका रही कि भाजपा के लोग भी सरयू राय के लिए काम करते रहे, संघ के लोग भी करते रहे, क्योंकि वो पुराने कार्यकर्ता थे, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लग गया कि जब तक हमारे पास कोई आदिवासी चेहरा नहीं होगा, झारखंड हमारे पास वापस नहीं आएगा और अगला लोकसभा चुनाव भी जो है आगे है 24 में, फिर झारखंड का चुनाव अभी वो बुरी हारे हैं बुरी तरह से, और शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन जो आदिवासी हैं वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो उसके जो पैरेलल एक आदिवासी चेहरा, एक मजबूत कद्दावर आदिवासी चेहरा भाजपा को चाहिए था और इसीलिए वो अपने पुराने संगी, पुराने कार्यकर्ता बाबूलाल मरांडी की ओर मुड़े। और बाबूलाल मरांडी की संथाल क्षेत्र में, जो पूरा आदिवासी क्षेत्र है संथाल क्षेत्र, उसमें बहुत मजबूत पकड़ है और उनका, जबकि अर्जुन मुंडा की पकड़ जो है कोल्हान क्षेत्र में है, झारखंड को अगर आप देखेंगे, जहां जब हाल का विधानसभा चुनाव हुआ तो जानते हो काटने वाले को फिर जनता भी नहीं माफ करती, अर्जुन मुंडा वाले पूरे क्षेत्र में भाजपा ने बहुत ही लचर और खराब प्रदर्शन किया और रघुवर दास को हराने में माने न माने अर्जुन मुंडा इन सबके हाथ रहे, क्योंकि रघुवर दास
जनता से कनेक्ट नहीं थे, आदिवासी नेताओं को साध नहीं पाए। आदिवासी नेताओं को भी लगता था कि कहां से इसको बैठा दिया गया, सभी राज्य जैसे पुराने नेताओं को हटाया गया। इसलिए तो जब इस साल बिहार में और पश्चिम बंगाल में चुनाव, अगले साल पश्चिम बंगाल में 2021 में और 20 में बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, झारखंड का पश्चिम बंगाल से लगा क्षेत्र और झारखंड का जो बिहार से लगा हुआ क्षेत्र है वहां आदिवासी संख्या अच्छी है, इसलिए बाबूलाल मरांडी को भाजपा ने अपने साथ जोड़ा है। वो भाजपा में शामिल होकर झारखंड में नेता प्रतिपक्ष या फिर मोदी सरकार में मंत्री भी बन सकते हैं, ऐसा उम्मीद।